मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगरा पहुंचकर जन सत्याग्रहियों के साथ की पदयात्रा। उन्होंने भारत सरकार में भूमि सुधार कानून शीघ्र बनाने का अनुरोध किया। स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने नई दिल्ली में कैब द्वारा आयोजित प्राइमरी शिक्षा और शिक्षा के अधिकार संबंधी उप समिति की बैठक में लिया भाग। और संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपने निवास में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट पुस्तक का किया विमोचन। हेलेंस के बाद रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जमीन में गरीब व्यक्ति निवासरत है उसे उस जमीन का पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने भारत सरकार में भूमि सुधार कानून शीघ्र बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने इस कानून को मध्य प्रदेश सरकार के पूरे समर्थन और उसे लागू करने का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको आश्वस्त करता है, आप ठोस प्रस्ताव लेके आइए भूमि सुधारों के लिए, मध्य प्रदेश आज अपनी सहमति देता है, हम तैयार हैं। श्री चौहान ने गरीबों के हक में अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने विदेश यात्रा पर होने के कारण 5 अक्टूबर को मुरैना में मोबाइल के माध्यम से सत्याग्रहियों को संबोधित किया था और स्वदेश लौटकर यात्रा में शामिल होने का वादा किया था, जिसे उन्होंने आज पूरा किया। एकता परिषद द्वारा आयोजित ये जन सत्याग्रह पदयात्रा 3 अक्टूबर को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जो आज आगरा पहुंची। यात्रा में एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी राजगोपाल और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी और पदयात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर रण सिंह परमार और अन्य पदाधिकारी और स्वयंसेवी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1,86,000 वनवासियों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। पट्टे देने का यह अभियान आगे भी चलेगा जब तक कि हर एक आदिवासी और वन निवासी को पट्टे नहीं मिल जाते। अनुदान प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों के अशैक्षणिक वर्ग और गैर यूजीसी प्राप्त प्राध्यापकों के 5वें वेतन नाम के एरियर्स के भुगतान के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 83,87,580 रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें वल्लभदास माहेश्वरी महाविद्यालय, श्रीकृष्ण संगीत महाविद्यालय, कैमूर साइंस कॉलेज, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय और भातखंडे संगीत महाविद्यालय को रुपए आवंटित किए गए हैं। भोपाल जिले की 4 सड़कों के निर्माण के लिए 70,31,23,000 की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से 105.12 किलोमीटर लंबाई की सड़क का निर्माण होगा। राज्य शासन ने लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह की पहल पर इन सड़क निर्माण कार्य के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव के सिंह की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति ने इन सड़क निर्माण कार्य की अनुशंसा की थी। स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य में कोलार मार्ग कजलीखेड़ा से कोलार डैम तक 19.52 किलोमीटर लंबाई की सड़क के साथ कोलार मार्ग को चौड़ा करने के लिए रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में रोगियों को उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवाए जाने की सदैव व्यवस्था कर ली गई है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना का औपचारिक शुभारंभ प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से किया जा रहा है। रोगियों को 1,595 दवा वितरण केंद्र से चरणबद्ध तरीके से वितरण किया जाएगा। जिला चिकित्सालयों द्वारा दवा वितरण की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी जाने वाली 270 दवाओं के स्थान पर अब 400 से अधिक दवाइयां विभाग द्वारा खरीदी जा रही हैं। 2012-13 के लिए राज्य शासन द्वारा 165 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत स्थापित होने वाले 1,995 केंद्र पर मुख्यमंत्री निःशुल्क औषधि वितरण केंद्र का बोर्ड लगा रहेगा। इन केंद्रों पर औषधि वितरण के लिए व्यवस्थित काउंटर, पर्याप्त रेक्स और औषधि प्लास्टिक बॉक्स उपलब्ध रहेंगे। इन केंद्रों में पर्याप्त साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सालय के ओपीडी समय और भर्ती रोगियों को इस केंद्र से 7 दिन और 2400 घंटे सर्वाधिक उपयोग में आने वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। शासकीय अस्पतालों में सभी चिकित्सक जेनरिक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन इन निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों के रोगियों को दवा देने के लिए लिखेंगे। किसी दवा के स्टॉक में उपलब्ध न होने की स्थिति में निकटतम वैकल्पिक उपलब्ध दवा ही लिखी जाएगी। शासकीय चिकित्सक रोगियों को किसी भी प्रकार की दवा बाजार से लाने के लिए नहीं लिखेंगे। शिक्षा के अधिकार के विस्तार के लिए गठित उप समिति की बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने उप समिति द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी उपस्थित सदस्यों और शिक्षाविदों को 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की प्री प्राइमरी शिक्षा के बारे में बताया। चिटनिस ने प्री प्राइमरी शिक्षा को अधिक बेहतर और संवेदनशील बनाने के लिए दिए गए सुझावों को भी दर्शाया। उन्होंने 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार की परिधि में लाने का आग्रह किया। समिति के सदस्यों ने संबंध में अपने अपने विचार रखे हैं और बैठक में निर्णय लिया गया कि उप समिति को इस कार्य के लिए थोड़ा और समय शिक्षा के अधिकार के विस्तार के प्रारूप को तैयार करने में दिया जाएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए emstv.in।